जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण साथ साथ दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आज 18वां पाठ भावेश फल अध्याय, भावेश फल कथन, इसको आरंभ करने जा रहे हैं। जब भी अपन फलित करते हैं किसी जातक के लिए फलादेश करते हैं, तो उसमें शास्त्र के अतिरिक्त, शास्त्र तो उसमें है ही, अतिरिक्त तो क्या है, लेकिन ध्यान का, साधना का, इष्ट कृपा कह लो, गुरु कृपा कह लो, उसका बहुत बड़ा महत्व है। आपका साधना पक्ष जितना मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, जितना आपकी साधना ध्यान ये अच्छी होगी, फल कथन उतना सटीक बैठेगा, उतना सही होगा। ये जो अध्ययन अध्यापन है, ये माध्यम है, ये एक तरह से दिशा निर्देश है, लेकिन यदि आप साधना नहीं करेंगे तो इसमें उतना बाहुल्य या सामर्थ्य नहीं आ पाएगी। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे, बार बार तो इसको शायद ना दोहरा पाए, कि साधना बहुत आवश्यक है, ध्यान है ना, आपका जीवन है, आपकी दिनचर्या है, ये सब बेसिक फाउंडेशन है फलादेश के, फलादेश के बेसिक फाउंडेशन या नींव के पत्थर क्या हैं, आपका आहार विहार, दिनचर्या, ध्यान, साधना, इष्ट कृपा, ये सब फलादेश का मूल मंत्र है। तो अब अपन विभिन्न भावों के जो स्वामी हैं वो किस किस भाव में बैठे हैं, उसके अनुसार फल को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। हॉरोस्कोप में, पत्रिका में 12 भाव होते हैं, ये अपन पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि किसी भी हॉरोस्कोप में 12 भाव होते हैं, 12 भाव है ना, ये 12 भाव है। और अपन यह भी जान चुके हैं कि प्रथम भाव लग्न कहलाता है, ये जो फर्स्ट हाउस है इसको लग्न कहते हैं, और उसका जो स्वामी है उसको क्या कहेंगे, तो उसको लग्नेश कहेंगे, लग्नेश, लग्नेश, लग्न का स्वामी।
तो जब भी कभी किसी हॉरोस्कोप को स्टडी करते हैं तो यहाँ एक नंबर लिखा रहता है, वो राशि का नंबर होता है, राशि की संख्या होती है। जैसे मान लो यहाँ 8 नंबर है, तो 8 नंबर राशि हुई वृश्चिक, वृश्चिक राशि। राशि आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो 8वें नंबर की जो राशि है वो है वृश्चिक, उसका जो स्वामी है वो है मंगल, मंगल। और अब वो मंगल कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, उससे हमको फल कथन अपन करते हैं, है ना। अपन पहले देख चुके हैं लग्न यानी, लग्न यानी शरीर तनु भाव, दूसरा भाव धन, तीसरा भाई साहस पराक्रम, चौथा सुख माता, पांचवा पुत्र, छठा शत्रु रोग, सातवां भार्या पत्नी स्त्री, आठवां आयु मृत्यु, नवा भाग्य, दसवां राजा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पिता, 11वां भाव लाभ, लाभ आय इनकम, और 12वां भाव से अपन खर्च का या व्यय का विचार करते हैं। ये अपन पहले देख चुके हैं। तो दो नियम अभी बना लेते हैं, उसके आधार पर अपन देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि भावेश के आधार पर फल कैसे देखते हैं, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो नियम क्या बनाने वाले हैं कि ये भाव है छठा, ये भाव है आठवां, और ये भाव है 12वां। ये जो तीन भाव हैं छठा आठवां और 12वां, यदि किसी भाव का स्वामी इन भाव में बैठ जाए तो वो शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। किसी भाव का स्वामी, किसी घर का मालिक अशुभ जगह चला गया, तो जिस प्रकार के वो घर में गया उस प्रकार के वो परिणाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ जैसे लग्न का स्वामी है ना, अभी अपन देख रहे हैं केवल लग्न को देख रहे हैं, तो जब वो 6वें में गया तो शत्रु से पीड़ित, 8वें में गया तो रोगी, 12वें में गया तो सुखहीन। तो जिस भाव का भी स्वामी 6वें में 8वें में 12वें में जाएगा तो वो उसको जो फल मिलेगा वो अशुभ कहेंगे अपन मोटे तौर पे। और यदि केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्र अपन पहले देख चुके हैं 1, 7, 1, 4, 7, 10, तो शुभ फल मिलेगा। कोण कह लो तो 5 और 9, ये भी शुभ फल देगा। तो ऐसे दो मोटे मोटे नियम बना के थोड़ा संक्षेप में देख रहे हैं, बाकी तो फिर आप स्टडी करोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहला नियम क्या बनाया कि जिस भाव का स्वामी 6वें 8वें 12वें में चला गया तो उस भाव की हानि होगी। फिर धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मान लो वो 6ठे में आया तो 6ठा जो है वो शत्रु का भाव है तो शत्रु से पीड़ित, रोग का भाव है तो रोगग्रस्त है तो लिख दिया शारीरिक सुख से वंचित, 8वें में गया तो आयु का मृत्यु का भाव है तो वो रुग्ण होगा, धीरे धीरे उसका क्षरण होगा। इसी प्रकार 12वें में भी वो शरीर की दृष्टि से अच्छा नहीं बताया, लेकिन उसी का स्वामी जब लग्न का स्वामी जब लग्न में है तो रोग रहित केंद्र है, चौथे में है तो भी शुभ है, 5वें में है पुत्र से रिलेटेड है तो पुत्रवान, 9वें में है भाग्य से रिलेटेड तो भाग्यवान, 10वें में है केंद्र से है तो पिता का सुख गवर्नमेंट से फायदा। इस प्रकार से सामान्य नियम ये बनेगा कि जिस भाव का स्वामी केंद्र में बैठा तो शुभ फल मिला,
कोण में बैठा तो शुभफल मिला, लेकिन यदि 6, 8, 12 में से किसी एक में बैठा तो अशुभफल मिला। ये एक सामान्य नियम अपने को ध्यान में रखना है। इसी को हम धन भाव में देखें, धन भाव में धनेश का फलाध्याय करें, विभिन्न भावों में क्या हुआ, नियम क्या बनाया, 6, 8, 12 में अशुभ तो कह दिया धन हानि। यदि धन भाव का स्वामी, ये धन भाव है सेकंड हाउस, धन भाव का स्वामी यदि 6 में है 8 में है 12 में है तो लिख दिया धनहीन, धनहीन। और क्या है, और यदि वो केंद्र में आ गया धनयुक्त, संपत्ति युक्त, और यहाँ भी धनयुक्त, और त्रिकोण में या कोण में धनी, धनी। तो इस प्रकार से नियम क्या बना कि केंद्र में यदि स्वामी बैठ गया धन भाव का तो शुभ फल, और 6, 8, 12 में गया तो अशुभ फल। अब वो यहाँ अभी अपन दृष्टि देखेंगे तो यहाँ धनयुक्त लिखा है, ठीक है कि घर का स्वामी घर को देख रहा है, वो दृष्टि आगे बताएंगे, इसलिए यहाँ वो कन्फ्यूज नहीं होना है ना, सामान्य नियम अभी देख रहे हैं, कन्फ्यूज नहीं होने का। आगे जब समझेंगे तो देखेंगे कि भाव का स्वामी जहाँ बैठा हो और अपने घर को देखता हो तो भाव में शुभ फल मिलता है ना। अभी एज ए थंब रूल अपन देख रहे हैं कि 6, 8, 12 में अशुभ और केंद्र त्रिकोण में शुभ। अब तृतीयेश यानी तीसरे भाव में, अब जैसे अपन ने मान लो लग्न में राशि नंबर 8 माना था तो यहाँ 9 हुई, यहाँ 10 हुई, तो 10 का स्वामी, 10 नंबर यानी मकर राशि, उसका स्वामी शनि। अब वो शनि यदि 6 में बैठा 8 में बैठा 12 में बैठा तो अशुभ बताएंगे, है ना, और केंद्र त्रिकोण में बैठ गया तो अपने भाव का शुभ फल देगा। ये अपन उसको इंटरप्रेट करेंगे, ये ऐसा अर्थ अपन निकालेंगे। तो देखो ये भाव से संबंधित हाउस है जिसको अपन स्टडी कर रहे हैं, तीसरा भाव है ना। तीसरे का स्वामी जब यहाँ बैठा तो भाई से शत्रुता, शत्रु का भाव है, फिर यहाँ बैठा तो अशुभ फल, फिर यहाँ बैठा तो कहा कुकार्य में व्यय करने वाला। ये जो हाउस है थर्ड हाउस, ये उद्यम का है, ये पराक्रम का है, ये साहस का है, तो यहाँ जब बैठ गया तो वो जो कर्म है उसका वो कैसा हो गया, वो अशुभ कर्म करने वाला हो, अच्छे कार्य करने वाला नहीं। तो ये जो 6, 8, 12 में यदि भाव का स्वामी जाएगा तो अपने भाव को वो शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, वो अशुभ जगह चला गया, इसलिए शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। अभी सरल तरीके से सामान्य नियम देखने का प्रयास कर रहे हैं। चतुर्थ भाव को देखें, चौथा जो घर है फोर्थ हाउस जो है वो माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख उसका है। तो जैसे ये सिक्स्थ में गया, अब सिक्स्थ इसका स्वामी है ना, यदि यहाँ बैठ गया आके तो किसी हॉरोस्कोप में चौथे भाव का स्वामी यदि छठवें भाव में बैठ गया, अब ये माता का है तो माता के सुख से रहित, ये घर का है आठवें में चला गया तो घर के सुख से रहित, और यदि ये 12वें में गया तो भी कहा ग्रह आदि सुख से रहित होता है। तो इन जनरल एज ए थंब रूल जिस भाव का स्वामी छठवें आठवें 12वें में गया तो उस भाव की हानि होती है, उस भाव का सुख नहीं मिलता। और वो यदि केंद्र त्रिकोण में आ गया तो वाहन से योग तो माता से सुखी है ना, सुखी ठीक है, उस प्रकार से विद्वान, फिर गुणी सुख युक्त, फिर ये सुखी, तो ये केंद्र त्रिकोण में सुखी एज ए थंब रूल, और 6, 8, 12 में उसका अशुभ फल प्राप्त होता है, उसकी हानि होती है, उसकी शत्रुता कह लो, एंड सो ऑन। पांचवा भाव अपन जानते हैं, पांचवा भाव पुत्र का, पांचवा भाव विद्या का है ना। तो इस प्रकार से जो भी पांचवे भाव का स्वामी हुआ वो यदि 6, 8, 12 में गया तो कह दिया पुत्र से, जैसे शत्रु भाव में गया तो पुत्र से शत्रुता है ना, आठवें में गया कम पुत्र, 12वें में गया पुत्र से रहित, पुत्र सुख से रहित, दत्तक पुत्र वाला, इस प्रकार से उसका अर्थ किया। और वही यदि 6, 8, 12 के अतिरिक्त यदि केंद्र त्रिकोण में से कहीं आ गया तो शुभ कह दिया,
विद्या से संबंधित है, नवे में आ गया तो ग्रंथकार कह दिया, है ना। तो ये जैसा भाव है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यदि शुभ घर में बैठा तो उस भाव का शुभ फल, और यदि 6, 8, 12 में चला गया तो उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है? अपन ने 5 भाव देख लिए। और जैसा दूसरा नियम अपन बना रहे थे कि 6, 8, 12 का स्वामी है ना, यदि किसी भाव में बैठ जाए तो उस भाव का फल बिगाड़ेगा, है ना। तो अब मान लो ये षष्ठेश को देख रहे हैं, षष्ठ यानी छठा, तो इस भाव का स्वामी है। अब जहाँ वो बैठा, मान लो शरीर भाव में बैठ गया तो रोगी कर दिया, मातृ भाव में बैठ गया तो माता के सुख से हीन कर दिया, शत्रुता करा दी, पुत्र के भाव में बैठ गया तो पुत्र से शत्रुता करा दी, स्त्री भाव में बैठ गया तो स्त्री से शत्रुता हो गई, पितृ भाव में बैठा तो पिता का वो अभक्त हो गया, बात नहीं मानेगा। तो इस प्रकार से यदि 6, 8, 12 का स्वामी, आगे 8, 12 भी देखेंगे, जिस भाव में बैठ जाएगा वो उस भाव के फल को बिगाड़ेगा। ये नियम बनाएंगे, क्या नियम बनाएंगे कि 6, 8, 12 भाव का स्वामी जिस भाव में भी बैठेगा उसको वो बिगाड़ेगा, उसका जो फल है उसको खराब करेगा वो। अब आ गए 7वें भाव में, 7वें भाव से अपन स्त्री का, पार्टनरशिप का, है ना, उसके सुख का विचार करते हैं। तो नियम क्या बनाया था कि 7वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए। अब 6 में बैठा, अब ये शत्रु है, रोग का भाव है, तो या तो पत्नी जो है वो रोगिणी रहेगी या उसकी स्त्री से शत्रुता रहेगी। 8वें में गया तो कहा पत्नी सुख से हीन, 12वें में गया, अब ये खर्च का भाव है तो स्त्री खर्चीली, ऐसा शब्द का प्रयोग किया। और वही यदि केंद्र में बैठ गया तो जैसे सप्तमी इसमें लिखा ना, स्त्री सुख से युक्त, कोण में वहां भी वो शुभ फल ही देगा, शुभ फल देगा। तो वो थंब रियल को अपने को ध्यान में रखना है। अब जो अष्टम भाव अपन देखेंगे, अष्टम भाव में क्या बताया, अष्टम भाव में बताया कि 8वां भाव जो है वो शुभ नहीं है। अब उस भाव का स्वामी, उस भाव का स्वामी जिस भाव में भी जाके बैठेगा उसके फल को बिगाड़ेगा। शरीर भाव में गया तो शरीर सुख से हीन, धन भाव में गया तो कम धन वाला, भातृ भाव में गया तो भाई का सुख नहीं मिलेगा, माता के भाव में गया, घर के भाव में गया तो दोनों से हीन हो गया, एंड सो ऑन। पुत्र भाव में गया तो वो पुत्र सुख कम है, पुत्र जो है वो मूर्ख जैसा व्यवहार करता है। तो जिस भाव में भी वो, व्यापार भाव में गया 7th में, पितृ भाव में गया, जहाँ जिस भाव में वो गया तो उस भाव के फल को वो बिगाड़ता है। कौन सा? अष्टमेश। कौन? षष्ठेश। कौन? द्वादशेश। हो रहा है स्पष्ट धीरे धीरे? अब देखेंगे 9वें भाव को। 9वां भाव धर्म का भाव, भाग्य का भाव। तो वो जिस भाव में, अब ये शुभ स्थान हुआ, इसका स्वामी जहाँ बैठेगा उस भाव के फल को वो बढ़ाएगा, लेकिन खुद यदि 6, 8, 12 में चला गया तो भाग्यहीन हो गया, भाग्यहीन, भाग्यहीन। खुद यदि 9वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गया तो अपना फल बिगाड़ लिया, लेकिन जहाँ भी बैठेगा इसके अलावा, है ना, तो जैसे 1st हाउस में गया तो भाग्यवान, 2nd में गया तो धनी, है ना, भातृभाव में गया तो भाई का युक्त है उससे, है ना, माता में माता का भक्त है, पुत्र में पुत्र, तो जिस भाव में जाएगा तो वो शुभ फल देगा, लेकिन यदि खुद 6, 8, 12 में चला गया तो उसको उसके भाव का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। इसी को अपन 10वें भाव में देख लो। 10वां भाव पिता का, कर्म का, राजा का। तो जैसे ही वो 6वें में 8वें में 12वें में गया तो वह अशुभ फल उसको प्राप्त हुआ, लेकिन यदि केंद्र में है, त्रिकोण में है ना, तो उसको शुभ फल प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार ग्यारहवें भाव का स्वामी जब छः आठ बारह में गया तो आय में कमी हुई, खर्च कहीं अन्य जगह करने लगा, और वही यदि केंद्र त्रिकोण में बैठ गया तो शुभ फल प्राप्त होता है, शुभ फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार बारहवें भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उसके फल को वो बिगाड़ेगा, उसके फल को वो बिगाड़ेगा। तो जैसे वो लग्न में बैठा तो शरीर को दुर्बल करा, है ना, व्यय भाव है ये बारहवां। तो धन में गया तो धन को खर्च कराया, भाई भाव में गया तो उनके सुख से वंचित करा, मात्र में उसके सुख से वंचित करा। तो जिस भाव में भी वो बैठेगा उसकी हानि करेगा। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्या समझा, क्या जाना कि लग्न आदि जो बारह भाव होते हैं उसमें जो राशि होती है उसका स्वामी जहाँ बैठता है उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। ये एक नियम है, इसको एकमात्र नियम नहीं मान लेना, अन्य नियमों पर भी चर्चा करेंगे। यदि लग्न का स्वामी या किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा तो उस भाव का अशुभ फल होगा। 6, 8, 12 का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उसके फल को बिगाड़ेगा। ये दो नियम आज अपन ने समझने का, देखने का प्रयास किया। अभी इतने ही कहके वाणी को विराम देते हैं, आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम शांति शांति।